हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी अपने लिए नया 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज का ये कंपेरिजन वीडियो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि एक तरफ है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G और दूसरी तरफ है पोको का M4 Pro 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को अभी 16,999 रुपये के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वहीं पोको के M4 Pro 5G को भी 16,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए, जो कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, गैलेक्सी का F23 5G पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M4 Pro 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का एक पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है, पर जब बात करी जाए कि किस फोन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को गैलेक्सी के F23 5G में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। पर हाँ, मीडियाटेक का 810 प्रोसेसर भी इतना बुरा नहीं इस प्राइस रेंज में। फोन के डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो डिस्प्ले के साइज में तो कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के डिजाइन में काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि गैलेक्सी के F23 5G में 6.6 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में नॉच देखने को मिलता है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पोको के M4 Pro 5G में भी 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को जाती और डिस्प्ले में पांच होल देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को पोको के M4 Pro 5G में ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, पर ज्यादा रिफ्रेश रेट आप लोगों को गैलेक्सी के F23 5G में देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो गैलेक्सी के F23 5G में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही पोको के M4 Pro 5G में बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर पोको के M4 Pro 5G में 2 MP का मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता, जबकि गैलेक्सी के F23 5G में 2 MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फोन के बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में, क्योंकि गैलेक्सी के F23 5G में 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि पोको के M4 Pro 5G में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करी जाए दोनों में से कौन सा 5G स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस बिल्कुल एक जैसा है। गैलेक्सी के F23 5G में क्वालकॉम 750G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती, पर हाँ, डिस्प्ले की क्वालिटी आप लोगों को इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। पर उस कमी को पूरा करने के लिए कंपनी ने डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पोको के M4 Pro 5G में IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और आप लोगों को 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर अगर देखा जाए कि कौन सा स्मार्टफोन 16,999 रुपए के प्राइस में आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग गैलेक्सी के F23 5G को ही बाय करें।